जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अनबॉक्स गजर चैनल पर स्वागत है। आज इस फ़ोन का डिलीवर हुआ है, चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं कंडीशन कैसा है फ़ोन का। फ़ोन के साथ एसेसरीज भी है फ़ोन के साथ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। यह है बिल, बिल्कुल रखते हैं साइड पे, पहले देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एसेसरी नहीं आया है, सिर्फ चार्जर आया है फ़ोन के साथ। हुआवे का चार्जर है, ये 5 वोल्ट 2 एम्पीयर 10 वाट का चार्जर है। और यह है केबल, टाइप सी वाला केबल आया है। फोन भी देखते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह है फोन, चलिए फोन ऑन हो रहा है, तब तक देख लेते हैं बिल। ये रहा बिल, बी कैटेगरी का फ़ोन है ये, लेनोवो Z1 364, 1410 रुपये पड़ा है इसका। तो ये रहा फ़ोन, स्किन येलो है पूरा, देख सकते हैं, इसका कंडीशन भी देख सकते हैं। इसमें वैसे अच्छा ही वाला उठ गया है, निकल दो, ये अभी भी गिर रहा है टूट टूट के। कैमरा देख लेते हैं इसका, डिस्प्ले पूरा येलो टन है एकदम। लॉलीपॉप पर रन कर रहा है फोन। इसका बैक बटन, शायद बैक बटन काम नहीं कर रहा है, इधर स्क्रीन पे बैक बटन काम नहीं कर रहा है। शायद स्क्रीन में ही डिफेक्ट है और बैक बटन काम नहीं कर रहा है, बस और कोई दिक्कत मुझे लगा नहीं। डिस्प्ले में पूरा येलो टन है, वॉल्यूम देख लेते हैं। ठीक है, डिस्प्ले में मतलब वॉल्यूम ठीक है, स्पीकर भी ठीक है, साउंड फिंगरप्रिंट देख लेते हैं फ़ोन का। अरे भाई बैक कैसे करें, इसका तो बैक भी नहीं हो रहा है। फिंगरप्रिंट पैटर्न को भी पैटर्न डाल लेते हैं। ये हो गया डन, देखते हैं एक बार कैसा काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट ठीक है एकदम, फिंगरप्रिंट में कोई इशू नहीं है, बस इसका डिस्प्ले पूरा येलो टन है देख सकते हैं, और बैक बटन काम नहीं कर रहा है, बाकी सब फोन का ठीक है।
और बैक साइड पूरा एकदम घिस गया पूरा वाइट। ये कार्बन, ये प्लास्टिक बैग है पूरा। शायद ये बैक पैनल रिमूव करा, रिमूव किया था, ये देख सकते हैं उठा हुआ है पूरा। ये बस कनेक्टिविटी देख लेते हैं फोन का, बदलापुर बदलापुर। अरे यार पी क्लिक नहीं हो रहा है, देख सकते हैं इसमें टच में भी इशू है फोन का। टच में ये पी वाला प्रेस नहीं हो रहा, पी की जगह वो प्रेस हो रहा है बार बार, तो इसमें सिम डाल के देखना पड़ेगा मुझे। तब बैक बटन भी काम नहीं कर रहा है, ऊपर की तरफ शटर भी नहीं उतर रहा है। इस फोन में बहुत ज़्यादा इशू है देख सकते हैं। चलिए एक बार सिम डाल के देखते हैं। देख सकते हैं इसमें सिम लग गया, जियो सिम लगाया है, 4G का टावर भी आ गया, लेकिन बहुत एक ही टावर शो कर रहा है अभी तक। मैं देखते हैं फिर भी, क्रोम ब्राउज़र ओपन करके कोई भी देख लेते हैं। लेनोवो, देख सकते हैं एकदम काम कर रहा है, वर्किंग एकदम सिम वर्क कर रहा है। कॉलिंग में देख लेते हैं, कॉलिंग करके इसमें वोल्ट ही शो नहीं हो रहा है। एक बार देख लेते हैं सेटिंग में जाकर, क्योंकि वोल्ट ही शो नहीं करेगा तो फिर फोन फोन कॉल नहीं जाएगा। वोल्ट ही नहीं सो रहा है, सिर्फ नेट चल रहा है बस। ये शायद वोल्टी मोटर नहीं है, नहीं तो आ जाता अभी तक। गाइस जियो में तो वोल्ट ही नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, दूसरा सिम डाल के देख लेते हैं, दूसरा एयरटेल वोडाफोन कुछ भी। दूसरा सिम लगा कर जैसे ही मैंने ऑन किया फिर देखा एकदम बैटरी ड्रेन हो गया पूरा। ये फिर भी देख लेते हैं कॉल करके। नमस्कार जी, आपना के स्वागत जानाए। देख सकते हैं पूरा एकदम कॉलिंग हो रहा है, इसका मतलब जियो सिम नहीं सपोर्ट करता इसमें, मतलब वोल्ट सिर्फ नेट चलता है लेकिन वोल्ट ही नहीं चलता, कॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते। दूसरा सिम डाला वोडाफोन का, एकदम पूरा नेट भी चल रहा है, एकदम कॉलिंग भी हो रहा है। बस दोस्तों यही है इसका कंडीशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।